अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। जितनी फिल्मी ये लाइन है उससे कहीं ज्यादा फिल्मी 22 साल के प्रदीप का सफर है। आपको बताएं कि प्रदीप जो है उनकी 93 रैंक आई है यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में। उनके पिताजी पेट्रोल पंप पर सर्विस मैन का काम करते हैं, 22 साल से वो ये काम कर रहे हैं और 22 साल के प्रदीप हैं। आपको बताएं कि प्रदीप का ये पहला अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी का ये प्रतिष्ठित एग्जाम जो है वो क्लियर कर लिया है। सबसे पहले तो प्रदीप आपको एबीपी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो जैसे कि हमने बताया, जैसे कि हमने शुरुआत करी बेहद फिल्मी अंदाज में, कि कुछ अपने आप को रिलेट कर पाते हैं इससे? बहुत कुछ, मेरा पूरा जीवन संघर्ष भरा है और मेरे जीवन से ज़्यादा मेरे माता पिता का जीवन पूरा संघर्ष से भरा है। भैया ने, माता ने, पिता ने, मेरे दादाजी ने, पुरखों से ये संघर्ष चलता आ रहा है। मेरी बस ये कोशिश थी छोटी सी कि वो संघर्ष खत्म हो, मेरे माता पिता को एक ऐसी सफलता मिले जिससे उनका माथा और ऊँचा हो जाए समाज में, और मैं एक छोटी सी मेरी ये सफलता है जो उन्हें काफ़ी कुछ दे पाएगी, तो इसलिए ये खुशी और बढ़ जाती है। कौन कौन है आपके परिवार में प्रदीप? परिवार में, घर अगर बोलूँ तो घर में हम चार लोग हैं, माता पिता और भैया और मैं। वैसे परिवार तो मेरा पूरे सारे रिलेटिव्स का है, सब मुझे परिवार जैसे ही ट्रीट करते हैं अपना, और किसी भी विपत्ति में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। आप अभी फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं, कब से दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे हैं, और मम्मी पापा, आपके भाई, वो सब कहाँ रहते हैं? मम्मी पापा और भैया इंदौर में रहते हैं और मैं यहाँ, मैं जून 2017 में आया जब मैंने यहाँ वाजीराम कोचिंग ज्वाइन की और तब से मैं यहीं हूँ हमेशा से। जैसे कि बताया परिवार में बहुत दिक्कतें रही हैं, परिवार में मुश्किल रहा होगा परिवार के लिए, पैसों के नज़रिए से अगर हम बात करें तो काफ़ी मोटी फीस जाती है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। कितनी फीस गई, कैसे आपने उस चीज़ को ओवरकम किया? संघर्ष तो बहुत था, पैसों का संघर्ष भी था, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे पिता और मेरे माता का जज्बा था जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। वाजीराम की फ़ीस थी 1.5 लाख रुपये और फिर यहाँ आने का जो खर्च होता है वो, तो उसको वहन करने के लिए मेरे पिताजी ने अपना, हमारे इंदौर का मकान जो था, जो उनकी पूरे जीवन भर की संपत्ति थी, उसे बेच दिया और एक क्षण भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। तो उनके जीवन का जो ये त्याग था, इसी त्याग को मैं चाहता था कि उसका कुछ फल निकले और कुछ पॉजिटिव आउटकम हो। तो एक त्याग नहीं मान सकते कि आपको और भी ज़्यादा सक्षम बनाया, और भी ज़्यादा ताकतवर बनाया? हाँ, और सुदृढ़ बनाया, और उसने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, ये सफलता मुझे चाहिए किसी भी हाल में, और उसका ये परिणाम है कि आज रिजल्ट आया है। पिताजी सर्विसमैन हैं पेट्रोल पंप पर, कहाँ काम करते हैं वो? पिताजी निरंजनपुर देवासना का जो इंदौर है वहाँ पे डायमंड पेट्रोल पंप पे काम करते हैं और वो सर्विसमैन हैं, और माताजी मेरी हाउसवाइफ हैं और भैया प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। पर तीनों लोगों ने मुझे पूरी मुसीबत में एक प्रोटेक्शन वॉल की तरह खड़े रहे वो लोग। कुछ भी होता था तो मुझे किसी भी चीज़ की कुछ खबर नहीं होती थी। मेरे माताजी जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तब मुझे इसका ज्ञात नहीं था कि मेरी मेंस का पेपर था आपका, मेरी तब मेंस की एग्जाम चल रही थी, तो मुझे ये पता नहीं था कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। और चाहे कितनी भी हो, इसी हमारे गाँव की जो पुश्तैनी ज़मीन थी वो भी पापा को बेचनी पड़ी ताकि मेरी यहाँ पर फाइनेंशियली हेल्प हो सके। तो पुश्तैनी ज़मीन बेचने का भी एक दर्द होता है जो मेरे पिताजी ने सहा। पुश्तैनी घर आपका कहाँ पर? गोपालगंज, बिहार। तो बिहार से जुड़ी हुई भी कई यादें होंगी, एक तो यहाँ पर आप आए हैं, दिल्ली में रहते हैं, कितना मुश्किल होता है एक अकेले रहना, कई प्रकार के खर्चे होते हैं, इसके अलावा से आपको पढ़ाई भी करनी है, कैसे सब कुछ मैनेज करते थे, कितने घंटे पढ़ पाते थे? पहले तो आपका पहला प्रश्न जो कि बिहार से जुड़े होने का, तो वो मेरी जन्मभूमि है और कर्मभूमि इंदौर है, और अब आगे की कर्मभूमि क्या होती है ये तो कैडर मिलने के बाद तय होगा। तो बिहार से तो मैं दिल से तो बिहारी हूँ ही, और कैडर में कौन सी आप चाहते हैं जगह? मैं बिहार चाहता हूँ कि मुझे मिले, ताकि मैं बिहार जो एक पहले एक उगता हुआ सूरज था और अब लोग कह रहे हैं कि अस्त हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि उसे वापस वो समृद्धि हासिल हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ मुझे बिहार मिले।